अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है हमारे चैनल जायका फूड में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आटे की बर्फी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये घर में कभी भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आटे की बर्फी। तो पहले हमने एक कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर देते हैं। इस कढ़ाई में एक कटोरी आटा हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका कच्चापन हम जो है वो सब निकाल देंगे, जिससे कि हमारी बर्फी में आटे की स्मेल ना आए। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे तो इसमें आटे की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। खाने में आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि आटे की बर्फी है कि दूध की। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा आटा जो है वो उबल चुका है। हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, जिससे कि हमारी बर्फी का कलर अच्छा नहीं आए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, हमारा ये हमने कढ़ाई रख दी और अब हम बनाने वाले हैं चाशनी, जिसके लिए हमने एक कटोरी चीनी डाल दी इसमें और अभी हम एक कटोरी और डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमें एक दो कटोरी चीनी है हमारी, हमें इसमें एक कटोरी ही पानी डालना है, क्योंकि हमें चाशनी जो है वो एक तार की बनानी है, दो तार की नहीं। हमारी चाशनी में उबाल आने लगा है और हमारी चीनी भी पिघलने लगी है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहेंगे और अब हम इसमें एक कटोरी घी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। देख सकते हैं हमारी चाशनी में तार बनने लगा है। अब हम इसमें अपना आटा डाल देंगे। आटा हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि हमारी आटे में गुटेटी ना पड़े। देख सकते हैं हमारी आटा जो है कढ़ाई में अब नहीं चिपक रहा है। सफ़ेद इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा हम, और थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे और अभी हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म है, हम इसलिए इसको ऐसे ही चलाएंगे इसमें। तो दोस्तों, हमने ये मिठाई का डिब्बा लिया, हम थोड़ा घी लगा लेंगे, जिससे कि हमारी मिठाई जो है वो डब्बे में चिपके नहीं और आसानी से बाहर निकल लिया। देख सकते हैं आप, मैंने घी लगा लिया है। सारी मिठाई जो है हम डब्बे में कर लेंगे। इस स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। देख सकते हैं हमारी मिठाई तैयार हो गई। अब हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि हमारी ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से इसमें बैठ जाए और हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।